शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग सर, प्रेस और मीडिया के सभी लोग आ चुके हैं सर, और लाइव कवरेज का बंदोबस्त भी हो गया है। एक सेकंड प्लीज, बैठ जाइए प्लीज। आप सब लोगों के सवाल शुरू हो जाए इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने क्यों बुलाई है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाई है कि शहर के पराशर फैमिली, जिनकी बेटी की शादी मुझसे हुई थी और उन्होंने अपनी बहू को जान से मारने की कोशिश की थी, और वो बहू जो मेरी छोटी बहन है, बस इतना ही चाहता हूं कि मेरी बहन परी को न्याय मिल जाए। शाना बेटा, मैं तेरा दादा बोल रहा हूं। बेटा ये जानने के लिए फोन किया था कि मेरी परी कैसी है। बेटा उस बच्ची ने इस घर में सबकी बहुत सेवा की है, बहुत ख्याल किया है सबका, कितनी बार जिल्लत उठाई लेकिन उसने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। जुबान खोलना तो दूर बेटा, उसने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा किसी को। मेरी तुझसे विनती है बेटा, उसका ख्याल रखना, उसकी बहुत सेवा करना मेरे बच्चा, उसे बहुत प्यार देना। और मैं यहाँ हर पल हर क्षण उसकी सलामती की दुआ करता रहूंगा बेटा। मैं फोन रखता हूँ बेटा। भाऊजी खाना ठंडा हो रहा है, मैं आपको बुलाने आया था भाऊजी। प्लीज खाना खा लीजिए भाऊजी। थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर आदित्य थापर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पराशर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अभय पराशर, उनकी पत्नी काम्या पराशर और उनके बेटे सौम्य पराशर पर अपनी बहन परी पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। हकीकत को जानने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं मिस्टर आदित्य थापर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सौम्य पराशर की माँ काम्या पराशर, वो हमारे घर झोली फैला कर आई थी और परी का रिश्ता मांगा था, लेकिन लेकिन हमें क्या पता था कि वो उस पर इतने अत्याचार करेगी। बीसवें दिन मेरी बहन पानी में डूबते डूबते बच गई। तीसवें दिन वो आग से बच गई और 40वें दिन सौम्य जानबूझ के उसे मुंबई से बाहर लेके गया ताकि अपना गुनाह बचा सके और उसे एक्सीडेंट का रूप दे सके। बंद करो चमेरी, ये सब क्या देख रहे हैं हम, ये बंद करो इसे। टीवी तो बंद करवा लो बेटा। लोगों की जुबान कैसे चुप करा दी। किसी का हाथ उठे तो उसे पकड़ा जा सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन जुबान न तो पकड़ी जाती है न खींची जा सकती है।
और क्या कविता लिखा करती थी तुम? वो कौन सी थी जिसमें जिसमें तुम्हें अवार्ड मिला था? दुख से अगर परिचय ना हो तो कैसा सुख और कैसी खुशी वगैरह वगैरह। मुस्कान याद है तुम्हें? मुस्कान कौन है? मुस्कान तुम ही तो थी। अगर मैं परी हूं तो मैं मुस्कान। हाँ तुम परी, पर तुम कॉलेज में बहुत अच्छी कविताएं लिखा करती थी मुस्कान के नाम से, और इसके बारे में तुमने किसी को बताया नहीं था। वो तो मुझे पता चल गया किसी तरह। क्या देख रही हो? अगर आप खुशी के हस्बैंड हैं तो आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? हाँ मैं पति तो मैं खुशी का हूं, पर तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं। तुम्हें याद है कॉलेज में हम दोनों एक साथ रहा करते थे? ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ। जस्ट रिलैक्स, तुम रेस्ट करो। अब परी तुम्हारी दवाई। तुम अपनी दवाई खाओ, मैं बाहर चलता हूं। पानी। डाइनिंग टेबल पे खाना लग गया। अगो इन्हें बता दो ये बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। इस घर का अन्न खा के मैं नहीं चाहता कि मैं भी इनकी तरह संगदिल और स्वार्थी बन जाऊं और अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाऊं। नहीं चाहता कि मेरी मति भी भ्रष्ट हो जाए। बाऊजी ऐसी बात मत कहो मुझे। बाऊजी वृंदा मुझे कभी बाऊजी नहीं कहना, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता से, मैं सिर्फ विक्रांत राज प्राशर हूं और तुम अभय प्राशर। अपने नाम के साथ मेरा नाम कभी मत लगाना। तुमसे तुम सबसे ये हक छीनता हूं। We'll be right back.
जा बेटा, अब जाकर सौम्य से मिलो। पर मामा, आपने ही तो मना किया था। बेटा, उस समय ना मिलने में ही अकलमंदी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी पुलिस केस में फंसो। देखा ना, पराशर परिवार को रात भर जेल में काटना पड़ा। अगर तुम वहां होती तो तुम्हें भी जेल में रहना पड़ता। तुम पर उंगलियां उठती बेटी। अब वो लोग वापस आ गए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर वो लोग अपने पैसों की ताकत से बड़े वकील को खड़ा कर सकते हैं। इस केस को रफा दफा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। परी का परिवार केस बनाएगा भी तो क्या केस बनाएगा? परी मरी तो नहीं ना, उसकी सिर्फ याददाश्त गई है। उसका याददाश्त जाना ही मेरे लिए काफी है। बेटा, यही वक्त है, सौम्य को अपने बस में कर लो। वो कमजोर है, उसे प्यार की जरूरत है। जब बेल कमजोर होती है ना, तो उसे जो भी सहारा मिलता है वो सहारे के लिए उसी तरफ मुड़ती है। तुम समझ रही हो ना? अब तो परी की याददाश्त भी चली गई है। ये अच्छा मौका मिला है मुझे सौम्य को अपना बनाने का। मैं तो कहती हूँ कि हमें भी लॉयर को बुलवाकर बात कर ही लेनी चाहिए। आदित्य ने मीडिया को बुलाकर हमारी कितनी इंसल्ट की है। हमें भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। ये सब कपटी हैं, ये सब गुनाहगार हैं मेरी परी के। मेरा बेटा, ये मेरी बहू और ये सौम्य, और मैं सब और लगे तो मुझे माफ कर दे। मैं किसका दोष है? शायद मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। आज से मैं सिर्फ विक्रांत राज प्राशर हूं और तुम अभय प्राशर। अपने नाम के साथ मेरा नाम कभी मत लगाना। तुमसे, तुम सबसे यह हक छीनता हूं। तुम्हें क्या लगता है अभय? मैं कब से तुमसे बात किए जा रही हूँ, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? बताओ ना, घर को बुलवाऊं या नहीं? तुम जो भी करना करो काम में, मुझसे कुछ मत पूछो। अभय, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? परीजी, आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे साबित हो सकती है? 40वें दिन परी मौत के मुंह में जाकर कैसे बच गई? हमें जैसे ही पता चला आप यात्रा से लौट आए, हम आपके दर्शन के लिए आ गए। और ये जानने भी। गुरुजी बताइए ना, बताइए ना। गुरुजी आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, परी की जिंदगी बचने के पीछे क्या राज है? कुछ दिन पहले परी से मिला था। क्या आप परी से मिले थे? कहाँ? देवी माँ के मंदिर में महायज्ञ था, उसी दौरान मेरी मुलाकात परी से हुई थी।
कहते हैं कि गुरुजी की आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। सुना है कि मन की मुराद भी पूरी हो जाती है। इनकी कही बात पत्थर पे लकीर होती है। अरे बहन, जिस किसी के भी सर पे महाराज ने हाथ रखा है उसका तो कल्याण हो गया है। उस लड़की के लिए 40 दिन के बाद सौम्य के जीवन में कोई जगह नहीं होगी। महादेव की कृपा से 40 साल की भक्ति और तपस्या का फल है मेरे पास। मेरी कही हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तुम्हें कुछ नहीं मांगना। जिसके पास भगवान जी का दिया सब कुछ है वो भला क्या मांग सकता है। आयुष्मती भव, आयुष्मती भव। दीर्घायु भव, दीर्घायु। आयुष्मती भव, दीर्घायु भव। आपको मुझे लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था गुरुजी। क्यों बेटी, तुम मेरे आशीर्वाद पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही हो? मेरा आशीर्वाद तो बहुत फलदायक है, इससे सभी को लाभ मिलता है। उसको भी जिसके विवाह के 40 दिन बाद उसकी मौत निश्चित है। मैं परी सौम्य पराशर। अनजाने में जो आशीर्वाद निकला था वही परी के लिए शायद कवच बन गया। परी का 40वें दिन मरना निश्चित था, लेकिन ऊपर वाले के रंग न्यारे। उस बच्ची के सच का देश था, या उसके भक्ति की शक्ति, वो मेरे पास आई और मुझसे दीर्घायु का आशीर्वाद लेकर चली गई।